कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा पर छुआछूत का आरोप लगा है। आरोप है कि येदुरप्पा एक दलित के घर नाश्ते पर गए थे, लेकिन उन्होंने वहां घर में बना हुआ नाश्ता नहीं किया। आरोपों के मुताबिक येदुरप्पा शुक्रवार को चित्रदुर्ग जिले के दौरे पर थे और इस दौरान येदुरप्पा ने केलकोट क्षेत्र में एक दलित परिवार के घर नाश्ता किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने नाश्ते में जो खाया वो दलित परिवार के घर तैयार नहीं किया गया, बल्कि उसे होटल से लाया गया था। येदुरप्पा पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने येदुरप्पा पर हमला बोला है। विरोधियों का कहना है कि इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने दौरे के दौरान एक दलित परिवार में वो पहुंचे थे, लेकिन आरोप ये है कि इस परिवार के घर में जो खाना उन्होंने खाया वो घर में बना हुआ नहीं था, बल्कि होटल से मंगवाया गया था। और इस मामले को लेकर अब उनकी विरोधी पार्टियां उन पर निशाना साध रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने येदुरप्पा पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी है। पार्टी नेता एस प्रकाश ने कहा है ये सभी आरोप मनगढ़ंत है। It's an utter lie and a politically motivated charges is being made. Both Janata Dal and the Congress are unnerved at the Dalit outreach Mr. Yediyurappa and BJP is conducting in the state for the last 1 week. The response the BJP is receiving in the Dalit colonies is immense. जी मीडिया संवाददाता निशिता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिता, इस पूरे मामले की सच्चाई के बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? ये एक ड्राइव था जो येदुरप्पा और बहुत सारे अदर बीजेपी लीडर्स मंडिया गए थे, दलित घरों में भी गए थे, और जब एक दलित घर में वो ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो उन्होंने अपना पैकेज्ड फूड जो था, खाना जो था, उससे खाया। और इसके खिलाफ अभी कांग्रेस के एक यूथ विंग वर्कर ने एक कंप्लेंट दर्ज किया है मंडिया पुलिस के साथ। बता रहे हैं कि मंडिया में ऑलरेडी बहुत कास्ट के विषय में प्रॉब्लम है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, और जब एक लीडर, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऐसे एक्शन करते हैं तो बहुत एक रॉन्ग प्रेसिडेंस जैसा सेट होता है। इसी के कारण उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज किया है, लेकिन अभी भी FIR फाइल नहीं हुआ है। सैटरडे को कंप्लेंट दर्ज किया गया है, ये मंडिया पुलिस ने कंफर्म भी किया है। ये यूथ का नाम वेंकटेश है और ये बताया जा रहा है कि वो एक यूथ कांग्रेस वर्कर है। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर कर्नाटका में इलेक्शंस है और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो है वो एक प्रो बैकवर्ड कम्युनिटी लीडर के जैसे माने जाते हैं, और अब जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत हाथापाई हो रही है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के बैकड्रॉप में, तो ये एक और राउंड ऑफ एलिगेशन जैसे माना जा सकता है। एटलीस्ट बहुत बहुत शुक्रिया निश्चिता इस पूरी जानकारी के लिए आपका।